स्टूडेंट्स, आप लोग 9th क्लास इंग्लिश मीडियम की क्लास में स्टडी करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड मिक्सचर। ओके, क्या डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड मिक्सचर? इसमें प्रॉपर्टीज हैं सॉल्यूशन है, मिक्सचर है। ट्रांसपेरेंसी, सॉल्यूशन क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। मिक्सचर जो है ओपेक होता है। ओपेक का मतलब यह है कि इसकी एक साइड से दूसरी साइड को दिखाई नहीं देगा। जैसे कि हम किसी शीशे की बॉटल में या शीशे के ग्लास में मिल्क ले लें तो उस बॉटल की एक साइड से दूसरी साइड को हमें दिखाई नहीं देगा। जबकि हम किसी बॉटल में स्प्राइट ले लें तो स्प्राइट बॉटल में भरने के बाद उसकी एक साइड से दूसरी साइड का दिखाई दे जाएगा। इसका मतलब क्या है कि स्प्राइट जो है वो ट्रांसपेरेंट है, वो सॉल्यूशन है, मिक्सचर नहीं है। ओके, नेक्स्ट है सेपरेशन। सॉल्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड्स लाइक फिल्ट्रेशन, डिसेंटेशंस ईटीसी। सॉल्यूशन को जो है साधारण मेथड्स के द्वारा सेपरेट नहीं किया जा सकता है, जबकि मिक्सचर को सेपरेट मेथड्स, सिंपल मेथड्स के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है, जैसे कि छानकर या डिकेंटेशन के द्वारा। विजिबिलिटी, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आर इनविजिबल। सॉल्यूट के जो पार्टिकल होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट्स आर विजिबल। इसके मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स के पार्टिकल्स होते हैं वो दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है होमोजीनिटी। होमोजीनिटी मतलब कि जो हमने मिक्सचर या सॉल्यूशन बनाया है उसमें जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनकी जो फिजिकल स्टेट्स हैं वो सेम सेम हैं या डिफरेंट डिफरेंट हैं। सेम हैं तो होमोजीनस हो गया और डिफरेंट हैं तो हेट्रोजीनस हो गया। तो ये क्या होते हैं सॉल्यूशन? ये होते हैं होमोजीनस, और मिक्सचर क्या होते हैं? हेट्रोजीनस। होमोजीनस का मतलब ये है कि हमने पानी के अंदर नींबू का जूस डिसॉल्व कर दिया या डाल दिया तो वो होमोजीनस मिक्सचर बन गया, क्योंकि नींबू का जो जूस है वो भी लिक्विड है और पानी जो है वो भी लिक्विड है, तो मैटर की जो स्टेट है वो सेम है। जबकि अगर हम पानी के अंदर सीमेंट घोलते हैं या सीमेंट के अंदर पानी घोलते हैं तो वो भी मिक्सचर बना, लेकिन उसमें पानी की जो स्टेट है वो लिक्विड है और सीमेंट की जो स्टेट है वो सॉलिड है, इसलिए वो हेट्रोजीनस मिक्सचर बन गया। नेक्स्ट है इंक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम डज नॉट इंक्रीज। मिक्सचर सॉल्यूशन जो होते हैं इनका वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होता है, और मिक्सचर जो होते हैं वॉल्यूम इंक्रीज, इनका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सपोज डेट हमने एक ग्लास वाटर लिया, दो ग्लास वाटर लिया, एक ग्लास अलग और दूसरा ग्लास अलग। अब हमने पहले वाले ग्लास में एक चम्मच नमक डिसॉल्व कर दिया और दूसरे वाले ग्लास में दो चम्मच नमक डिसॉल्व किया, तो पहले वाले ग्लास का जो कंसंट्रेशन है वो डाउन है दूसरे वाले ग्लास की कंपेयर में। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं इस बात को कि दूसरा वाला जो ग्लास है उसका कंसंट्रेशन पहले वाले ग्लास की कंपेयर में ज़्यादा है। ओके, अब हम इसे स्टडी करेंगे। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये कह रहे हैं कि सॉल्यूशन की क्वांटिटी में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स डिसॉल्व होते हैं वो उसका कंसंट्रेशन होता है। वी कैन एक्सप्लेन इट इन अदर वर्ड्स, द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज परसेंटेज मेथड ऑफ द डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम परसेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, अब हम इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसे आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना। ओके, देखिए सर, ए सॉल्यूशन कंटेन 50 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट। एक सॉल्यूशन के अंदर 50 ग्राम कॉमन साल्ट है, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, इन 300 ग्राम ऑफ वाटर। 300 ग्राम ऑफ वाटर में, 300 ग्राम वाटर में कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन द टर्म ऑफ मास। मास के टर्म के अकॉर्डिंग इसका जो है कंसंट्रेशन कैलकुलेट कीजिए बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के मास कंसंट्रेशन के थ्रू सॉल्यूशन मास ऑफ साल्ट
क्या है, साल्ट क्या है, सॉल्यूट है, 50 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, वाटर 300 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या होगी, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली डियर स्टूडेंट। तो ये हुआ हमारा 50 ग्राम प्लस 300 ग्राम इज इक्वल टू 350 ग्राम। नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंड द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 ग्राम, 100%। ओके, तो देखिए 50 अपॉन 350 इनटू 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 5 से इसे डिवाइड किया, 1 अपॉन 7 हो गया, 7 से 100 को डिवाइड किया, 14.28% आ गया। यही हमारा इसका आंसर है। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको ये वर्क अपनी नोटबुक में बहुत अच्छी तरीके से नोट करना है और उसको प्रिपेयर करना है। ओके, यू विल बी प्रिपेयर्ड योर सेल्फ फॉर द मंथली एग्जामिनेशन, बिकॉज द मंथली एग्जामिनेशन इज़ वेरी वेरी मच नियर बाई यू। ओके।